उमरिया जिले के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड क्षेत्र का अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आरंभ शनिवार की सुबह मां विरासनी स्टेडियम में हुआ। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जूहिला क्षेत्र के नवागत महाप्रबंधक प्रदीप कुमार के द्वारा माता विरासनी के तैल चित्र समक्ष पूजन अर्चन कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस प्रतियोगिता का प्रथम मैच गेवरा एवं रायगढ़ के मध्य खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर गेवरा ने बैटिंग का निर्णय लिया और अपनी प्रतिद्वंदी टीम रायगढ़ को 164 रनों का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए रायगढ़ की टीम महज 111 रन पर ही सिमट गई। इसी तरह दूसरा मैच भटगांव और शौकपुर के मध्य खेला गया, जिसमें शौकपुर ने जीत दर्ज की। जानकारी देते हुए आयोजक मंडल के सहयोगी प्रीतम पाठक ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिसमें जोहिला, गेबरा, CWS, दीपिका, सुहागपुर, विश्रामपुर, हसदेव, CWS कोरबा, रायगढ़, बैकुंठपुर, भटगांव, चिरमिरी, कुसमुंडा, बिलासपुर, जमुना, कोतमा के क्षेत्रों से टीमें शामिल होंगी। इस प्रतियोगिता का समापन 10 दिसंबर को किया जाएगा। हम आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता कोल माइंस में कार्यरत कर्मचारियों के बीच खेला जाता है, जिसमें अलग अलग कोल माइंस में पदस्थ कर्मचारी अपनी अपनी टीम की तरफ से खेलते हैं। इस प्रतियोगिता के बाद इनका सिलेक्शन होता है और फिर चुनिंदा खिलाड़ियों को कोल इंडिया और उसमें भी बड़े स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला प्रधान, BJP नेता बहादुर सिंह सहित इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। हम लोग SSL का रायगढ़ क्षेत्र से आए हैं और ये हमारा SSL लेवल जो एरिया लेवल का मैच होता है, तो उसका हम लोग जोहिला में टूर्नामेंट खेलने आए हैं। और ये एक तो हमारा मतलब जो जॉब वाले हैं उनके लिए एक तो अच्छा मतलब फिटनेस का है, वो जो किसका इंटरेस्ट था खेलने का वो नहीं खेल पा रहा था ड्यूटी के चलते, तो उसके लिए अच्छा माहौल हमारा कंपनी बनाया है और उसमें जो अच्छा प्लेयर है वो भी ऊपर लेवल में खेल रहे हैं, तो उसको देख के बहुत सारा लड़का जो है कि बढ़िया इंटरेस्ट लेकर आ रहे हैं। अभी क्या है ना, क्रिकेट का तो क्रेज ही चल रहा है सब तरफ, तो इसी हिसाब से हम लोग पिच को लेकर क्या कुछ मदद मिलेगी आपको? पिच तो यहाँ का पिच ज्यादातर बैट्समैन को ही मतलब प्रीफर करता है, हम लोग जितना साल खेले हैं वो ज्यादातर बैट्समैन का फेवर में जाता है। और नया अभी ओस थोड़ा सा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि पहला जो भी 4-6 ओवर खेलेगा तो हम वो 4-6 ओवर का फायदा लेने के लिए कोशिश करेंगे। और दूसरी टीम को हम लोग कोशिश करेंगे कि 140 के अंदर उसको रखेंगे। इसको देखकर क्या लगता है बॉलिंग में क्या कुछ मदद मिलने वाली? बॉलिंग में देखिए जो नया बॉलर 4-6 ओवर रहेगा उसका प्रीफर रहेगा, उसका बाद तो फ्लैट ही खेलेगा बैट। प्लीज हमारा ऑलमोस्ट पूरा टीम सेम ही है, दो नए प्लेयर आए हुए हैं और दोनों अच्छे भी हैं और टीम पहले जैसे ही पुरानी मतलब अच्छी स्ट्रांग है। इस बार भी हम मैच जीत के ही जाएंगे, फाइनल जीत के ही जाएंगे, इसी उम्मीद से आए हुए हैं। और ये पहला मैच हमको मतलब टॉस हम ही जीते हैं, हमारे हिसाब से ही हो रहा है अभी तक, तो हम कोशिश करेंगे मैच पूरा अच्छे से जीते और फाइनल तक जाएं। पिच को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? पिच अच्छा है मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से एनालिसिस हुआ है स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में थोड़ा सा बैट्समैन को वो हो सकता है तकलीफ, उसके बाद तो ठीक है बैटिंग के लिए, और ड्यू फैक्टर है तो बॉलर्स को थोड़ा दिक्कत होगी स्टार्टिंग में। जोहिला क्षेत्र का हर बार हम लोग जैसे 3-4 साल से खेल रहे हैं अच्छा रहा है, इस बार भी सेम अच्छा ही व्यवस्था रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा जीतकर आपने टॉस जीतकर जो है कि बैटिंग का निर्णय लिया है, क्या कुछ मदद मिलेगा, कितने रनों का लगभग टारगेट क्या? हम टारगेट रखे हैं 140 प्लस देने का, 140 के ऊपर ही टारगेट देने का रखे हुए हैं। माँ विरासनी क्रिकेट स्टेडियम जो बहुत हमारा पुराना स्टेडियम है और बहुत ही विशाल एवं भव्य है, यहाँ पर इस तरह के आयोजन होते रहते हैं। इस बार हम लोगों ने SSL अंतर क्षेत्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता यहाँ रखी है, इसमें हम लोगों ने हमारे सारे खिलाड़ी जो विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ आए हैं उनका हम लोगों ने भरपूर स्वागत किया और उनके रहने और खाने पीने की व्यवस्था का उचित आयोजन किया है। हमारी टीम भी इस बार पूरी तरह उत्साहित है जोहिला क्षेत्र की, और पिछले वर्ष की विजेता टीम गेवरा रही है। हमारा टीम जो है इस बार जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, और हमारा पूरा उम्मीद है कि हमारा टीम जो है जोहिला क्षेत्र इस वर्ष विजेता होगी। उमरिया से दीपू त्रिपाठी की रिपोर्ट।